एयर इंडिया से फिर ये उड़ान फिल्मों की तरफ कैसे हुई? एयर इंडिया में रह के मैंने आपसे किया, एयर इंडिया में बम्बई जाके दो चीजें नजर आई, एक तो एयर इंडिया का जो दुनिया देखना था, उसके अलावा जो परेशान लोग पलायन करके बम्बई आते थे उन पे क्या गुजर रही है, ये मेरे दिमाग में बात जो थी वो हमेशा खटखटाती रहती थी। शहरयार का शेर है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। तो 18th फ्लोर एयर इंडिया में बैठ के जब मैं देखता था एक लाल पीली और नीली टैक्सी में कि तपती छत के नीचे कोई कौन बैठा है हमारे जिले का, तो मेरे दिमाग में लगता था कि कहाँ से क्यों किस मजबूरी में आया है अपनी सभ्यता को छोड़ के, अपनी जड़ों को छोड़ के, अपनी मिट्टी को छोड़ के। तो उस वक्त से ये फिल्म मेरे दिमाग में पैदा हुई, गमन। अच्छा। और वो मैंने एयर इंडिया में रह के बनाई। फिर लोगों ने कहा मिस्टर टाटा से कि ये एयर इंडिया में है ये फिल्म कैसे बना रहे, कहने लोग क्रिकेट खेलते हैं हॉकी खेलते हैं ये अपने फ्री टाइम में फिल्म बना रहा है तो है क्या पेट। अच्छा। तो वो बनाई गई एयर इंडिया के ऑडिटोरियम में दिखाई गई पहला शो ईरोस में हुआ। तो उसमें यूपी के जो सबसे बुजुर्ग टैक्सी ड्राइवर था उसको हम लोगों ने ऑनर किया है, एक घड़ी देखे। अच्छा। और टैक्सी का जुलूस निकला वहां से बॉम्बे सेंट्रल से हजारों टैक्सियों का, और लाके उन सबको उन्होंने ईरोस पे लाके खत्म किया। टैक्सी के जुलूस का इससे क्या रिलेशन था? क्योंकि जो हमारा हीरो था वो टैक्सी ड्राइवर। अच्छा।